संतान के नाम पर मां को मिला हक। भारतीय महिला को अपनी संतान के उपनाम यानी कि सरनेम के चयन का अधिकार दिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि महिला अपने बच्चे के बायोलॉजिकल पिता की अनुपस्थिति में यानी कि जैविक पिता की गैर मौजूदगी में उसके सरनेम का चयन का अधिकार रखती है। अगर महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो भी उसकी संतान को सौतेले पिता का सरनेम रखने पर कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता और महिला को अपनी संतान के सरनेम के चयन का पूरा हक है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिला को इस बात का भी पूरा अधिकार रहेगा कि वो अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए सौंप सकती है। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं नेहा शुक्ला। जस्ट टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताज़ा फैसले में भारतीय महिलाओं को संविधान के अनुसार समानता का अधिकार देते हुए कहा है कि अगर कोई महिला जिसके पति की मौत हो चुकी है, उसने दूसरी शादी कर ली है और ऐसी स्थिति में पहली शादी से जन्मी उसकी संतान को सरनेम देने का अधिकार महिला के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए, ना कि उसे मजबूर करना चाहिए बच्चे के सरनेम का हक दूसरे को देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होगा? क्या इससे संविधान में मिले समानता के अधिकार का संरक्षण हो पाएगा? क्या भारतीय महिलाओं को संतान पर अपनी पहचान का अधिकार और मजबूत हो सकेगा? समाज इस फैसले से कितना बदल पाएगा? कुछ ऐसे ही सवाल आज स्ट्रेट टॉक पे हम उठाने जा रहे हैं। दर्शकों के सामने हम कुछ और सवाल रख रहे हैं और हम उनकी भी राय जानेंगे कि इस सवाल पर उनका क्या विचार है, उनकी क्या राय है। तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको दिखाते हैं कि हमारे आज के स्ट्रेट टॉक के सवाल क्या है। माँ को संतान के उपनाम पर मिले अधिकार से कितना बदलाव समाज में आ जाएगा और क्या ताजा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सभी धर्मों की महिलाओं को ये अधिकार देगा? समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या बारीकियां हैं जो कि महिलाओं को जानना जरूरी है। भारतीय महिलाओं की दूसरी शादी को समाज में कितनी स्वीकृति है, ये भी इस फैसले से निकलकर आया एक सवाल है। और कितनी व्यापक है भारतीय समाज में उपनाम की भूमिका, यानी कि सरनेम को लेकर समाज में किस तरह की स्थिति है, समाज में किस तरह का बर्ताव या फिर व्यवहार देखा जाता है। संविधान, देश के संविधान और कानून से समानता की बात महिलाओं के लिए होती रहती है, पर समाज में कब महिलाओं को ये समानता का हक मिल पाएगा? ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम स्ट्रेट टॉक में आज उठाने वाले हैं और हम हमारे स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अपील करते हैं कि आप भी महिलाओं को मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस ताज़ा अधिकार पर क्या विचार रखते हैं। अगर आपके मन में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें संपर्क करके ज़रूर बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा के दौरान तलाश सके। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महिलाओं के कानूनी अधिकारों की विशेषज्ञ एडवोकेट रूपा सोनी और साथ ही हैं आज स्ट्रेट टॉक में पहली बार कवलप्रीत कौर, जो कि समाज में आधुनिक महिलाओं का एक नेतृत्व भी करती हैं और जानी मानी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दोनों मेहमानों का और कवलप्रीत जी आपका, खासकर क्योंकि आप पहली बार स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू। रूपा जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी क्योंकि आप लीगली जो है कानूनी मामलों की काफी एक्सपर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस फैसले को महिलाओं को जो सरनेम देने का अधिकार मिला है, क्या ये महिलाओं को पुरुष पहचान से मुक्त कराएगा, यानी अपनी ही संतान पर जो कि हमारा भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें बच्चे को पहचान मिलती है पुरुष के द्वारा ना कि महिला के द्वारा, इस फैसले से क्या बदलाव आएगा? नेहा जी, आपने बिल्कुल बोला, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें मदर को राइट दिया गया है कि वो अपनी चॉइस से सरनेम दे बच्चे को। जी, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द केस आई वांट टू कोट हियर, अकिला ललिता विज कोंडा हनुमंत रॉय। अंडर दैट केस ऐसा हुआ था कि लेडी जो है उन्होंने अपनी एक शादी के बाद जब बच्चा 2.5 साल का था तो दूसरी शादी करी एंड द डिजीज्ड फादर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने कोर्ट में फाइल करा कि उनको वो जो बच्चा है जो कि अपनी सेकेंड शादी के बाद लेडी अपने साथ में ले गई थी, उन्होंने बोला कि उसका जो नेम है सरनेम है बायोलॉजिकल फादर का होना चाहिए। सो दैट वाज द मेन थिंग इन दिस केस। एंड देन आंध्र प्रदेश में ये फाइल किया गया था जहां पे उनको जस्टिस नहीं मिला इस लेडी को, उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में प्ली करा इसके लिए, वहां पे जस्टिस मिला और ये बहुत ही वेलकमिंग चेंज है इंडियन सोसाइटी के लिए हर पहलू से अगर देखा जाए इससे तो। और इसमें सरनेम का राइट दिया गया है फीमेल को कि वो अपनी चॉइस से बच्चे का सरनेम रख सकती है, अपने मर्जी से बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकती है, एंड इट्स यू नो रिकन्फर्मिंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन द सोसाइटी। जी, तो आई वुड से इट्स अ वेलकमिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी। जी, तो जो जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है कि उससे काफ़ी मजबूती मिलेगी ताज़ा फैसले से इस अधिकार को जो महिलाओं को समाज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारे साथ कवलप्रीत कौर भी जुड़ी हुई हैं। कवलप्रीत जी, क्योंकि आप आधुनिक महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं और एक अच्छे जो है प्रोफाइल से भी जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है कि समाज में इस ताज़ा फैसले के बाद महिलाओं की जो पहचान है उसको कितनी मजबूती से रखा जा सकेगा? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अपने फेलो पैनलिस्ट से कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अब एक दो दिनों में पता चलेगा कि इसके जजमेंट के कितने रिपरकशंस हैं, इंटरव्यूज होंगी वुमेन की, वुमेन सामने आएंगी अपने व्यूज बताने के लिए। देखिए, हम एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटीज उतनी सिंपल नहीं रही है जितनी वो 10 या 15 साल पहले थी। इंडिया में हम LGBTQ की भी राइट्स की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स बहुत एक्सेप्टेबल हो गए हैं ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, सेम सेक्स रिलेशनशिप। पेरेंट्स मतलब न्यूज़पेपर्स में, और मैं कंपैरेटिवली एक स्मॉल टाउन कंपेयर टू दिल्ली बैंगलोर, मैं वहां के केसेस पढ़ती हूँ, और बैंगलोर दिल्ली ऑल द मेट्रो सिटीज जहाँ सेम सेक्स मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गए हैं, जो आज से 15 साल पहले नहीं कॉमन थे। स्मॉल टाउन्स में अभी भी ये मेंटेलिटी है, लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। जी, लेकिन लेकिन कमल जी, जी जिन बातों को आपने सामने रखा है कि सेम सेक्स मैरिज या फिर लिव इन रिलेशनशिप या फिर शादी ना करके अकेले रहना, ये सब बातें बहुत ही सीमित वर्ग तक रहती है। जब बात महिला अधिकारों की आती है, महिला की पहचान की आती है, तो फिर इसका जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है। और यहाँ पे भारत जो है वो उतना जो है उसकी जो छवि है उतनी नहीं दुनिया के भीतर है कि महिलाओं को किस तरह का जो यहाँ दर्जा मिलता है समाज में। मैं आपको यही कह रही थी कि ये जो लॉज है ये बड़े सीमित वर्ग तक मतलब काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ समाज ही नहीं, कई फैमिली बड़ी सिटीज में भी छोटी फैमिलीज हैं जो खुलना नहीं चाहती हैं। पर जो वुमेन है उनकी डॉटर्स हैं, जो बेटियां हैं, अब क्योंकि उनको एजुकेटेड है और वो बड़ी सिटीज में मूव कर रही है या वो दूसरी कंट्रीज में मूव कर रही है, तो उनके लिए समाज एक छोटा सा गांव या तहसील नहीं रह गया है। उनके लिए उनकी सोच बड़ी हो गई, उनका एक्सपोजर बड़ा हो गया है, और वो ऐसे स्टेप्स लेंगी जिसके करके जिसमें उनको ये जो जजमेंट है वो काफी हद तक हेल्प करेगी, उनकी सहायता करेगी। सो ये जजमेंट, ऐसी जजमेंट्स इंडियन सोसाइटी को खोलने में या वाइड करने में बहुत सहायता करती है। इसका इफेक्ट कई बार चीजें होती हैं और जजमेंट आती है, कई बार जजमेंट आने से समाज का थोड़ा सा जो दिमाग है वो हिलता है। जैसे आपके खाप पंचायत हैं, उनको उनका रिपरकशन आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या इसके बारे में, इसको प्रैक्टिकल कितना होने देते हैं। सो जो हमारी रूढ़िवाद ख्याल है उसको तोड़ने में ये जजमेंट बहुत बड़ा एक स्टेप है, एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है कि वुमन अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकेगी। वुमेन आइडेंटिटी की बात हो रही है तो रूपा जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, पर्टिकुलर इसी फैसले की बात करूंगी कि जिस मामले में ये फैसला आया है, सरनेम को किस तरह से डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से, ताकि जो देश की महिलाएं हमें सुन रही है या फिर बाहर जो बैठी महिलाएं हमें सुन पा रही हैं, उन्हें अपनी पहचान को लेकर थोड़ी सी स्पष्टता जो है हो सके कि सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर कानून क्या कहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि सरनेम एक ऐसा नेम होता है जो पर्सन शेयर करता है विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अगर आप देखें तो एक ही फैमिली में सबका सरनेम सेम होता है. अगर इससे पर्टिकुलरली देखें तो अगर जो बायोलॉजिकल मदर ने सेकेंड मैरिज करी है तो अगर वहां पे वो बच्चे का सरनेम सेम नहीं करती है फैमिली से, देन चाइल्ड विल बी रेज्ड इन अ वेरी एक्सक्यूज एनवायरमेंट आई वुड से. He would not have that comfort. He would not have that vote for me with the family because his surname is different right from the beginning. If the Supreme Court now has given the right to the woman that she can choose the surname, then it's you know bring the homogeneity of the surname, merges as a mode to create, sustain and display family. Justice Dinesh and Justice Krishnan Murari, they both अच्छे से जजमेंट पूरा लिखा है. अगर आप उसमें देखें कि उसमें सरनेम को डिफाइन किया गया है, इट्स नॉट ओनली इंडिकेटिव ऑफ लीनियज एंड शुड नॉट बी अंडरस्टूड जस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री कल्चर एंड लीनियज, बट मोर इम्पोर्टेंटली द रोल इट प्लेज विद रिगार्ड टू द सोशल रियलिटी अलोंग विद द सेंस ऑफ बीइंग फॉर चिल्ड्रन इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट. बिल्कुल. तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया है सरनेम को और जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है उस पर मेरे कुछ और सवाल बन रहे हैं. मैं कवलप्रीत मैम से जानना चाहूँगी लेकिन छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि सरनेम को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से परिभाषित किया है और समाज में इसका क्या असर देखा जा सकता है. एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं. के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में. आज आप देख रहे हैं हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सरनेम के ऊपर, कि माँ को मिला है संतान के सरनेम के चयन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से. ब्रेक पर जाने से पहले मैं कवलप्रीत जी से सवाल करना चाह रही थी कि सरनेम को जिस तरह से परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, साफ बताता है कि भारतीय समाज में जो सरनेम है, जो उपनाम है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन कवल जी, जब भारतीय समाज में एक हिंदू महिला की शादी होती है, विवाह होता है और वो शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उसकी पहचान वहीं बदल दी जाती है. जो सरनेम है उसे अपने पति का ही जो है रखना पड़ता है, ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है. तो ये जो पहचान का अधिकार है, ये कितना फिर फर्क हम देखेंगे कि हो पाएगा? देखिए, ये जो सरनेम है ये आपको शादी ब्याह इन चीजों में बहुत हेल्प करती है. ये एक तरह से आपको डिफाइन करता है. हम सरनेम की बात कर रहे हैं. हिंदू फैमिलीज में तो एक लड़की को अपना नाम भी वही शादी के टाइम नया नाम दिया जाता था. मतलब उसका उसका मतलब 20-25 साल से जिस नाम से वो बड़ी हुई है, उसके परिजनों ने उसको एक नाम से बुलाया है, आप वो फेरों के टाइम नया नाम दे रहे हैं. देखिए आप, मतलब कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता था एक एक लेडी के लिए कि वो जिस नाम से पली बड़ी हुई है, जो प्यार से उसके माँ बाप ने उसका नाम दिया है, आप उसको चेंज कर रहे हो, आप एक नई आइडेंटिटी दे रहे हो कि वो आपके परिवार में ढल जाए. तो नाम चेंज करना, फिर दूसरा सरनेम अडॉप्ट करना, ये एक यू नो एक औरत कहा जाता था कि एक पौधा है जिसको आपने एक जगह से अपलूट करके दूसरी जगह पे लगा दिया और अब उसने वहां फलना फूलना है, वो भी अलग परिजनों के साथ. सो इतनी बड़ी आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी एक औरत की हिंदू समाज में. अब हम अगर मैं सिख वर्ग को बिलोंग करती हूँ, अब सिख वर्ग में तो सरनेम लिखना ही नहीं है. हमारे गुरुज ने कहा है कि आपको आपको सरनेम लिखना ही नहीं है. एक लड़की को कौर लिखना है, कौर का मतलब है प्रिंसेस, और एक लड़के को सिंह लिखना है, मतलब इसका मतलब है शेर या लायन, राइट. अब जो सिख समाज है वो तो सरनेम से बहुत दूर, बहुत मतलब गुरुओं के मुताबिक हम हरमंदिर साहब जाते हैं जहां हम दो दो तीन तीन घंटे लाइन में खड़े होते हैं माथा टेकने के लिए, पर जब हम अपने गांव में वापस आते हैं, हम अपने परिवार में वापस आते हैं, हम बड़ी और बड़ी शान से अपना कास्ट लिखते हैं, अपना सरनेम लिखते हैं. हमारे पंजाबी गानों में हर जगह चहल सिंह यू नो ये है. हमें तो नाम सिख वर्ग को तो नाम मतलब सरनेम यूज करना ही नहीं है, पर हम सब यूज करते हैं. इससे पता लगता है कि जो कास्ट है वो इंडियन सोसाइटी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है
कि जहाँ सिख वर्ग को अपना सरनेम लिखना ही नहीं है, हम आपने देखा होगा कि कार्स के पीछे भी, और ये सिर्फ और जो बाहर लोग बैठे हुए हैं अमेरिका में कनाडा में, वो तो मतलब कार्स पे भी आपने अपना सरनेम लिखवाया होता है, यू नो. सो सरनेम हमारे लिए बहुत बड़ी फीस है. तो जब आप सरनेम को फी जजमेंट, हमारा एपिक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर सरनेम के ऊपर उसने इतना और बड़ा, मतलब बहुत ही मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी जुडिशरी की, क्योंकि जुडिशरी में इंडिया में सब, मतलब आई एम सॉरी टू से, बट वो हमारा लास्ट होप है एक इंडियन सिटीजन का. सो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, तो ये वुमन के लिए तो बेंट पर लगता है कि बहुत बड़ा समानता का कॉन्सेप्ट है, पर इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या होगी ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगी. बट हाँ, ये जो कास्ट को लेके ऑनर किलिंग्स होती हैं, जो एसिड अटैक होता है, जो एक लड़की को रोका जाता है, वो सब तो काफी हद तक खत्म हो जाएगा. जी, कवलप्रीत ने बहुत ही जो है बढ़िया तरीके से जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया कि सरनेम का जो रोल है, जो भूमिका है, वो हमारे भारतीय समाज में किस तरह का. रूपा जी, जब हिंदू समाज की, क्योंकि ये जो फैसला है जिस तरह से आपने डिफाइन किया कि खासकर हिंदू धर्म के तहत आने वाली जो महिलाएं हैं उन पर ये लागू होगा, ऐसे में हिंदू समाज में जिस तरह की कवलप्रीत जी ने कहा कि शादी के बाद तो महिला की पहचान ही बदल दी जाती है, तो मेरा यहाँ पर ये सवाल बनता है कि क्या ऐसी स्थिति में जो सरनेम के चयन का अधिकार संतान के लिए महिला को मिला है, तो वो अपने जो उसका मूल परिवार है, जहाँ वो पैदा हुई थी, जहाँ उसकी परवरिश हुई थी, शादी से पहले जो उसकी पहचान थी, क्या उस पहचान का इस्तेमाल कर सकती है? या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री विद मैम कपलप्रीत. एंड देन आई वांट टू ऐड कि लास्ट ईयर दिल्ली हाई कोर्ट ने, जस्टिस रेखा पाली ने एक डिसीजन दिया था कि चाइल्ड राइट यूज मदर्स सरनेम, दैट्स आल्सो लैंडमार्क जजमेंट. नाउ नो मोर अ चिल्ड्रन कैन यूज अ फादर सरनेम, लाइक इफ माय फादर इज समथिंग सम सरनेम, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू कैरी दैट सरनेम. इफ आई वांट टू राइट माय मदर्स सरनेम, आई नेम all my school, college, educational certificate or on my Aadhaar card, wherever I want, I can choose. So that was again a landmark judgment by Justice Rekha Pali. Sarname is actually, it's rightly said in this judgment by Justice Krishnan Murari, like Sarname identity for the person. If I use my mother's surname, I have that right in place in India with me now. जी, क्योंकि रूपा जी, मैंने खुद भी जो है अपने जो पिता का जो सरनेम है वही रखा है, और इसीलिए क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी बेटा नहीं था और बेटियां ही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने जो पिता का नाम है उसे आगे बढ़ाऊं और वो पहचान जो है वो कायम रखूं. तो ऐसी स्थिति में भारतीय परिवारों के लिए जो है काफ़ी जो है एक कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है कि शादी के बाद फिर है आपको अपने पति का नाम या उसकी पहचान रखनी चाहिए, और ये नेचुरल समझा जाता है, यही स्वाभाविक समझा जाता है. अगर आप उससे हट के, स्वाभाविक जो है उससे हट कर कुछ करती हैं, तो समाज सबसे पहले आपसे बार बार जो है एक ही सवाल पूछता है कि आप अलग कैसे हैं. वो तो है, जब भी कुछ चेंज आता है सोसाइटी में, इनिशियल हिकअप्स तो आते ही हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, पर जो चेंज अगर वो पॉजिटिव है तो वो सस्टेन करता है सोसाइटी में हमेशा के लिए. अगर हमको वो, मतलब मेल डोमिनेंसी हटानी है सोसाइटी में से, फीमेल, वी वांट की इक्वालिटी ऑफ जेंडर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बार बार रिकन्फर्म करता है डिफरेंट जजमेंट से, अगर वो लेकर आना है, देन वी हैव टू टेक अ स्टेप समवेयर एज अ फीमेल. जी, तो हम फीमेल तो स्टेप ले लेते हैं, लेकिन समाज से या फिर समाज में मौजूद दूसरी महिलाओं से ही जो है वो समर्थन हमें नहीं मिल पाता. कवल जी, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ठीक है, और आपको पता है ये सरनेम का जब चेंज करना पड़ता है, आई एम अ वर्किंग वुमेन, आपको पता है कि सरनेम चेंज हो जाता है और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें आपके फादर का नाम चल रहा होता है, शादी के बाद आधे पेपर्स में आपके पैन कार्ड वगैरह में, आपके आधार कार्ड में आपका हस्बैंड का सरनेम चल रहा होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपके सर्टिफिकेट्स आधे आपके होते हैं,
पेरेंट्स फादर के सरनेम के, फिर आधे आपके पेपर्स हो जाते हैं अगर आपने अपनी एजुकेशनल डिग्री इंक्रीज की है तो, वो आपके मेडन नेम के अलावा हो जाते हैं आपको, फिर आपको न्यूज़पेपर में निकालना पड़ता है कि मेरा नेम ये है एंड सो ऑन. कितना हम मतलब कितनी हमारे लिए पेपर वर्क बड़ा हुआ था, कितना आप एक लड़की जिस नाम से बड़ी हुई है अचानक उसको चेंज करना पड़ता है. बैंक के पेपर्स हैं, यू नो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आपका कितना काम रुक जाता है एक सरनेम के पीछे. यू नो इट इज सो इनकन्वीनियंट, इट इज सो इनकन्वीनियंट दैट आप न्यूज़पेपर में जाके 4-5 हज़ार निकाल रहे हैं वो छोटे से क्लिपिंग के लिए, वो आपको पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना पड़ता है. कितना एक सरनेम के पीछे बवंडर हो चुका है. और आप एक औरत परिवार संभाल रही है, अपना जॉब संभाल रही है, बीच में वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है कि भाई मैं हूं कौन. और हिंदू समाज में तो नाम ही बदली कर दिया है ना. तो कितना आराम आया है, सुख का सांस आया है कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो एक सरनेम गोत्र, हमारा खानदान, हमारे खानदान के खिलाफ तुमने ये कर दिया है, राइट, उसके पीछे एक वुमन को कितना राहत, कितनी राहत मिली है कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी खुद चूज कर सकती हूँ कि मैंने, हम भी दो बहनें हैं कि जैसे आप नेहा कह रहे हो, तो हम क्या यूज करना चाहते हैं भाई, ये हमें डिसाइड करने दो. लेकिन सिर्फ एक हमने फेरे ले लिए हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब के मतलब सहमति से है या अग्नि को साक्षी मान के, पर उस चार फेरों में हमारी आइडेंटिटी तो मत खत्म कर दो ना. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना सरनेम खुद चूज कर सकते हैं और हर जगह हमें एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग या अपना कोई आधार कार्ड लेके घूमना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं आई एम सो एंड सो, एटलीस्ट प्रूफ तो नहीं करना पड़ेगा. लेकिन प्रूफ करना पड़ता है हर जगह, आपको जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, बार बार दिखाने पड़ते हैं कि हम भाई ये जो सरनेम है ये मेरा क्यों है, ये बार बार बताना पड़ता है. एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं स्ट्रेट टॉक में, और चर्चा बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गई. छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक. आज चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें संतान के सरनेम के ऊपर माँ को अधिकार दिया गया है, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं. रूपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को समानता का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो. ऐसे में जब हम बात इस ताज़ा फैसले की करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म के तहत आने वाली महिलाओं पर लागू होगा, लेकिन उसी संविधान के तहत ये होता है कि सभी धर्मों के जो लोग हैं, देश के नागरिक होने की वजह से, उनको समान अधिकार जो है मिलने चाहिए. क्या आगे इस ताज़ा फैसले के जो आधार बन चुका है महिलाओं की पहचान का, वो आगे सभी धर्मों, जो दूसरी धर्मों की महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो एक उम्मीद की किरण लेकर आया है? या बोल सकते हैं कि लेके आया है, पर सबके जो लॉज है इंडिया में डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजन के, क्रिश्चियन लॉ, पारसीज लॉ, एंड देन डिफरेंट लॉ वी आर फॉलोइंग, लाइक शिया जो लॉज है दे आर डिफरेंट. सो दैट्स अ रे ऑफ होप, यू कैन से वी आर बिकमिंग मोर लिबरल, वी आर नॉट एज अ सऊदी अरेबिया हु इज क्लैंपिंग डाउन द फीमेल एवरी टाइम. वी आर हैविंग द रिफॉर्म, वी हैव हैविंग द लेजिस्लेशन इन प्लेस. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई फैसले अभी हाल के दिनों में भी आए, पिछले कुछ बीते सालों में भी आए, जिसमें महिलाओं को लेकर जो अधिकार है उसे परिभाषित किया गया है, चाहे वो अविवाहित महिला को जो है बच्चे का वैध अभिभावक बनाने की बात हो, चाहे जो महिला को है अपने पिता की संपत्ति का अधिकार है, चाहे जो महिला को अबॉर्शन का, सेफ अबॉर्शन का जो अधिकार है, ये सभी कुछ इस तरह के अधिकार महिलाओं को दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने. और कुछ फैसलों में तो सभी धर्मों की बात कही गई है कि सब, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे में सभी नागरिकों को समान जो अधिकारों का है वो हक है. या दैट स्टिल डिबेटेबल. आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी हमारा प्रॉपर्टी में राइट्स आए हैं, जो कि हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अमेंडमेंट होके 2005 में, उसमें गर्ल्स को बोला गया है कि वो, उनको सेम राइट है टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. Same right as a son. 2005 से पहले वो सब राइट नहीं थे डॉटर ऑफ द फैमिली को, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो, सिंगुलर फैमिली हो. अगर उसका फादर का
सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एंड द फादर डाइज इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मींस व्हेन ही डाइज विदाउट एनी विल, देन द डॉटर कैन हैव द सेम राइट एज द सन हैज, एज शी इज आल्सो अ फर्स्ट क्लास लीगल हियर. जी कमलप्रीत जी, मैं जी रूपा जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं कमलप्रीत से बात करूंगी. जी आपने अबॉर्शन की भी बोला, जैसे अनवेड फीमेल्स हैं, दे हैव अ राइट ऑफ अबॉर्शन, सेफ अबॉर्शन. बिल्कुल जी. और अविवाहित महिलाओं को बच्चे का जो है लीगल जो है गार्डियन भी माना है सुप्रीम कोर्ट ने. और कुछ ऐसे फैसलों में सभी धर्मों की जो बात कही गई है कि अगर बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जो उम्मीद है या फिर उन पर भी लागू हो सकता है. कमलप्रीत जी आप क्या कहेंगी, क्योंकि संविधान कहता है कि समानता का हक सभी को है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या फिर किसी भी सामुदायिक वर्ग से आता हो. ऐसे में ये जो फैसला है, जो मुझे लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं सब अपने अपने तरीके से है, उसको समझ रखते हैं, उसको परिभाषित करते हैं. और ये जो फैसला है मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में दूसरे धर्मों की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक उम्मीद का रास्ता बना रहा है. हाँ जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ कि जजमेंट आए हैं और अब जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा है कि हर धर्म के लोगों का यू नो कानून अलग होता है, अपने रिलीजन के ऊपर बेस्ड होता है, पर वहां जो औरतें हैं उनको इस लैंडमार्क जजमेंट एक दो हफ्तों में कुछ अवेयरनेस आएगी, चेतना आएगी, तो उनमें से जरूर कोई ना कोई उठेगा और सवाल करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन में आएगा. जैसे ट्रिपल तलाक के टाइम एक छोटा सा कस्बा है उत्तराखंड में काशीपुर, वहां से एक लड़की ने चैलेंज किया. और शाह बानो केस के बाद मुंबई में एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम वुमन बनी और उन्होंने शुरू किया ये काम. धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस वो लेके आई. और देखो शाह बानो का केस के बाद अल्टीमेटली यू नो मुस्लिम समाज में काफी मतलब औरतों ने हिम्मत की. और शाह बानो के टाइम वो बिल्कुल चुप थी, पर ये 20-25 सालों में इतनी अवेयरनेस आई, सोसाइटी चेंज हुई कि जब मुस्लिम वुमन ने आप आवाज उठाई तो ये कानून चेंज हुआ. सो जैसे कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. सो जब ये कानून बनेगा और हमारा जो समाज है जो बहुत विलेज या जो बिल्कुल लोकल लेवल पे बड़ा रूढ़िवाद है, वहां से कोई ना कोई आवाज, क्योंकि एक औरत को पता है कि मेरे साथ कानून है तो आवाज आएगी, वो दबाई भी जाएगी, कोशिश भी की जाएगी, पर कोई ना कोई औरत जरूर होगी जो आगे आएगी, वो इसको चैलेंज करेगी और इस जजमेंट के सहायता के बुनियाद के ऊपर. और धीरे धीरे एक समाज फिर दूसरे धर्म के समाज में चेंजेस तो आएंगी. हाँ दबाव जरूर होगा क्योंकि जो इम्प्लीमेंटिंग है वो भी बहुत ज्यादा वो भी देखो जो आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वहां भी रूढ़िवाद के लोग हैं जो चेंज नहीं चाहते हैं. सो यस ये लैंडमार्क जजमेंट है जो. और इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो समाज में जो चेंज आ रहा है वो जजमेंट करके तो आ ही रहा है. आप इसको ऐसे ले सकती है कि कुछ लड़कों की नलायकीपन और लड़कियों की लाइफ पर ने बड़ी हेल्प की है क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप को इतना ज्यादा प्रूव कर रही हैं, पेरेंट्स की इतनी सहायता कर रही हैं कि पेरेंट्स में मतलब इस ये जो समाज में चेंज आ रहा है. मैं अपनी क्लास में अपने लड़कों को भी मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हंस के ये बोलती हूँ कि कुछ तुमने नलायकीपन किया, कुछ लड़कियों ने मेहनत बहुत की, कुछ कोर्ट ने हेल्प की कि लड़कियों को. अब पेरेंट्स खुद कहते हैं कि भाई लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है क्योंकि जब वो देखते हैं कि कोई लड़की के पेरेंट्स सीनियर सिटीजंस ओल्ड एज होम में पहुंच रहे हैं या एक चंडीगढ़ के जज थे जिन्होंने ये सीनियर सिटीजंस एक्ट एक हाई कोर्ट के जज थे रिटायर्ड जिनके लड़के उनको आई थिंक अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे या घर से हिस्सा मांग रहे थे कि उन्होंने सोचा उन्होंने ये केस किया कि अगर एक मैं हाई कोर्ट जज हूं कि मेरे साथ ये हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है. सो तो लड़कियों ने अपने आप को इतना अच्छा प्रूफ कर दिया है, वो अपने पेरेंट्स की इतनी अच्छी इतनी लुकाफ्टर कर रही है, कमा भी रही है लुकाफ्टर की. उन्होंने लड़कों की कई जगह पे कई फैमिलीज में
उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तो यही समाज है कमलप्रीत जी, जी बात कर रहे हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कुछ जजमेंट्स कुछ गवर्नमेंट लॉज बना रही है, कुछ सुप्रीम कोर्ट अच्छे जजमेंट्स पास कर रही है, कुछ लड़कियां, हरियाणा में देख लो इतनी रूढ़िवाद सोसाइटी जहां लड़कियों ने इतने इतने मेडल्स लेके आई हैं, अब वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई लड़की ठीक है, और इतने फादर्स खुद कितने कितने किलोमीटर अपनी बेटियों को लेके जाते हैं किसी गेम की प्रैक्टिस के लिए, अगर हरियाणा का समाज खुल गया क्योंकि लड़कियों ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है तो ऑफकोर्स चेंज तो आएगी और बहुत जल्दी चेंज आएगी और वुमन के फेवर में ही आएगी। जी कमलप्रीत जी, आपकी ही बातों से मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी है कि जब बात चेंज की जाती है, खासकर महिलाओं की तरफ से बदलाव की बात की जाती है, तो ये कहा जाता है कि ये परिवार तोड़ने वाली बात है, और भारतीय समाज की जो छवि है जो दुनिया भर में, ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो पारिवारिक संरचना है, जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है, वो इतना मजबूत है कि इसने देश को बांध के रखा है और यही हमारी परंपरा और सभ्यता है। लेकिन अभी जो इस तरह की बातें हो रही हैं, ये भारतीय समाज को, भारतीय परंपरा के विरोध है। रूपा जी, आपको क्या लगता है किस तरह से ये बातें जो है बार बार निकल कर आती हैं, अगर इस तरह की बातें हम करते हैं कि महिलाओं के अधिकार की, तो उसे भारतीय समाज का विरोधी माना जाता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें भारतीय समाज का कुछ विरोध होता है, क्योंकि अगर हम टाइम के साथ और समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हम एक्सट हो जाते हैं। ये हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है देखने के लिए, एनिमल्स में भी, और जो लोग नहीं बदलते हैं टाइम के साथ, दे आर नो मोर, so we need to change with the time, that's you know, need of power. जी जी कवल जी, रूढ़िवादी जी, मैं बोलना चाहूंगी कि घर ना टूटे, खानदान ना टूटे, बट उस चार दीवारी में रह के एक अंदर, एक औरत अंदर ही अंदर टूट जाए। यू नो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि जो चार दीवारी एक औरत को सिक्योरिटी जिसको देना चाहिए, जिन चार दीवारों को एक वुमन को सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो चार दीवारों के अंदर एक वुमन के साथ क्या होता है ये एक औरत ही जानती है। क्या खानदान की बात कर रहे हो? उस खानदान के अंदर औरतें टूट जाती हैं, मर जाती हैं, डिप्रेशन में चल जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं, और तुम कहते हो कि खानदान तोड़ रहे हो। ये तो, ये जो खानदान है, इन्होंने इन्होंने ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज को सिर्फ ड्राइंग रूम तक नहीं लेके आए, आपके गवर्नमेंट और पुलिस को और सुप्रीम कोर्ट को आपके बेडरूम तक घुसना पड़ा है, क्योंकि उस बेडरूम में ही एक वुमेन का रेप होता है, एक उसकी बिना कंसेंसस से उसकी आइडेंटिटी मिटाई जाती है। क्या बात करते हो आपकी, ये जो लोग कहते हैं खानदान तोड़ने वाली बात है, कैसे है जब आप एक वुमन को उसका राइट ही नहीं दोगे उसके घर के अंदर? तो बिल्कुल ये बहुत ही संगीन बात कही आपने जी। गवर्नमेंट को आपके बेडरूम और आपके घर के अंदर घुसना पड़ेगा एक औरत को बचाने के लिए। बिल्कुल, एक बहुत ही जो गंभीर बात आपने यहाँ पर रखी है कवल जी, और मैं रूपा जी से समझना चाहूंगी कि रूपा जी, हाल ही के दिनों में एक फैसला आया था जिसमें जो मैरिटल रेप है उसे जो है अवैध मानने से, जो है अपराध मानने से है जो इनकार कर दिया गया था, ये कहकर कि जो भारतीय समाज है इससे इस काफी जो है ठेस पहुंचेगी और ये जो छवि है भारत की, पारिवारिक छवि है, वो बिखर जाएगा, भारतीय समाज बिखर जाएगा। और यहाँ पर जो कवलप्रीत जी इस तरह से बात कर रही है, साफ लग रहा है कि महिलाओं का अधिकार तो अपने घर से ही शुरू हो जाता है कि वो नहीं मिलता है। एक मैरिटल रेप जैसा जो इशू है ये बहुत ही गंभीर है, और इस पर जो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो कानून ही सामने आया, जो फैसला आया हाई कोर्ट की तरफ से, तो ये बहुत ऐसा लगता है कि दुखदाई है। या मैम ने बिल्कुल ठीक बोला कि एक फीमेल चार दीवारी में उसके साथ क्या होता है वो कहीं पे रिपोर्ट नहीं होता, स्टैट्स भी बिल्कुल सेम ही बोलते हैं मैम। आज जो केसेस हमारे पास आते हैं, जो सामने आते हैं केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, वो सिर्फ 7% है। 7% जस्ट एकर नंबर, एंड इफ यू सी देयर इज सो मच इज हैपनिंग, यू नो सो मच इज हैपनिंग, जैसे चार दीवारी में बहुत हो रहा है पर वो कुछ बोलने के लिए कुछ कोई आगे नहीं आता, कोई रिपोर्ट करने के लिए नहीं आता, ये सब देख के कि मेरा फैमिली खराब होएगी,
या परिवार टूट जाएगा, नीड टू चेक दैट ऑल्सो. और भी आपने नेहा जी बात करके मैरिटल रेप की, मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एज ऑफ नाउ अंडर द आईपीसी. जी, इट्स स्टिल नॉट अ ऑफेंस. तो ये जब आया था फैसला, तो ये कहा गया था कि इससे जो भारतीय समाज है वो बिखर जाएगा. केंद्र ने यही दलील दी थी, और जब सुनवाई हुई थी तो जो माननीय जज हैं उनकी तरफ से भी यही बात कही गई थी. तो बड़ा विरोधाभास लगता है कि किस परिवार की बात हो रही है या फिर महिला अधिकार की बात हो रही है. अगर महिला अधिकार की बात हो रही तो महिलाओं का अधिकार सीमित क्यों किया जा रहा है, अगर हम सीधे सीधे अदालत की तरफ से भी देखें तो. रूपा जी, या महिलाओं का अधिकार जैसे कई जगह पे सीमित किया जा रहा है, कई जगह पे उनको लिबर्टी दी जा रही है, मतलब कि वो महिला को हमेशा को समझा जाता है कि उनको दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू मेन, वो उनसे कम है इंटेलेक्ट में, इंटेलिजेंस में. अब इतनी सेंचुरीज चला आ रहा है सब कुछ, वो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं. एज वी कैन सी कि अगर अभी प्रॉपर्टी में राइट होना शुरू हो गया है डॉटर्स का, पर मिलता नहीं है. पर मिलता है क्या, ले पाती हैं क्या महिलाएं, पर मिल तो नहीं रहा है. या बिकॉज़ अवेयरनेस इज कम, अवेयरनेस इज देयर, बिकॉज़ 60% पॉपुलेशन इज इन रूरल एंड ओनली 40% पॉपुलेशन इज इन अर्बन, एंड अर्बनाइज फीमेल ऑल्सो, जैसे मैम ने बोला कि वो फैमिली को देख के कि मेरे फैमिली खराब हो जाएगी, दे डोंट स्पीक आउट. दैट्स द ओनली रीजन अवेयरनेस कम है. कौन से लेजिस्लेशन लॉज आए हैं उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनको कैसे जाके अप्रोच करना है, कैसे अपनी बात को सुनवाना है, अवेयरनेस की बहुत कमी है इंडिया में. जी, तो दे आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट कमिंग अप, दे आर अनकोइंग. जी कमल जी, जब इस तरह की बात होती है कि महिला अगर बोलेगी तो परिवार बिखर जाएगा, परिवार के बारे में सोचने का जो ज़्यादातर दायित्व है वो महिलाओं के कंधों पर दिया जाता है, और इस तरह के जब फैसले आते हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय समाज बदल रहा है. लेकिन यही जो बदलाव हम बाहर देखते हैं, बाहर के देशों में देखते हैं, US, UK जैसे कंट्रीज में देखते हैं, तो वहाँ आज़ादी का मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है. और यही वजह मैं जो मेरी समझ है कि अबॉर्शन राइट्स जो US में ख़त्म कर दिए गए कंजर्वेटिव्स की तरफ से, तो विरोध तो हो रहा है लेकिन मिसयूज की बात करने वाले भी जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है. मैं पहले आपको एक इस थोड़ा टॉपिक से हटके बोलना चाहूंगी कि अवेयरनेस तो है बट एक वुमन को छोटे होते से समझा दिया जाता है कि पूरे खानदान की इज्जत आपके हाथ में है. तो अवेयरनेस है पर वो खानदान के चक्कर में कि मेरे ऊपर सारा बोझ है बचाने का, वो चीज एक एक जैसे इंडिया में हमारे कहा जाता है एक एक सुख एक चुप सौ सुख, ये जो छोटी छोटी यू नो बातें हैं इससे एक वुमन पूरी उम्र अपने आप को मतलब अपने सहती रहती, बैलेंस करती. दूसरी बात मैं आपको नेहा आपको एक और बात बताती हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो अप्लाई हो रहा है. अब मेरी कई फ्रेंड्स है जब उनको मैं पूछती थी शुरू में कि आप क्या करते हो, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. अब ये सैवी मैगजीन इंडिया टुडे ने 90s में वर्ड चेंज किया फ्रॉम हाउसवाइफ टू होममेकर, होममेकर राइट. अब आप एक वुमन को पूछो या आम ही है कि मैं तो पूरा दिन कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती. अरे आई एम अ वर्किंग वुमन, यू नो आई वर्क इन माई ऑफिस इन माई वर्क प्लेस और घर आके I have to supervise the work, right? And उसका मेरा कोई वो मेरा किसी खाने में नहीं पड़ता है. At least मेरे दो sensitive boys हैं जो कहते हैं नो आप बहुत काम करते हो. बच्चे बड़े sensitized हो गए हैं, right? Girls and boys की नो हमारी mother काम करती हैं. आज से मैंने 10 साल पहले एक book review की थी Tribune के लिए जिसमें था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये शुरू हो गया है कि अ वुमन हैज टू बी पेड फॉर हर वर्क एट होम, व्हाट शी इज डूइंग एट होम, राइट. अब कौन सा हस्बैंड घर में पे करेगा भाई. अगर मैंने लोगों को बुक दिखाई और मैंने बोला मुझे ये बुक रिव्यू ट्रिब्यून से आई हुई है जी. तो कहते हैं ये क्या बकवास है, ये कोई बॉम्बे के लोगों ने लॉयर्स ने लिखी थी और बड़ा अच्छा कोट किया था. अब हस्बैंड का मेजर चंक ऑफ सैलरी तो वाइफ को चला जाएगा अगर ऐसा कानून बन जाए. 10 सालों से तो बना नहीं है बट कह रहे अगेन उसको लॉबी बहुत बड़ी लॉबी रोक रही है. सो यस
अब ये सो ये तो अभी आपने नेहा ये शुरू हुआ है, अभी तो बड़े कानून आने हैं और आने भी चाहिए टू हेल्प अ वुमन। जो एक लड़की उस बुक में मैंने ये पढ़ा कि बॉम्बे जैसी जगह में बड़े केसेस उन्होंने ट्रेस किए, बॉम्बे हैदराबाद, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। अब हस्बैंड कहता है भाई तेरी इनकम से घर चलेगा और मेरी इनकम से मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो वुमन कहती है यस अगेन फॉर मैरिज। अब बाय चांस डिवोर्स हो रहा है तो प्रॉपर्टी तो सारी हस्बैंड के नाम पे है, वो हस्बैंड ले जाता है और वुमन का सारा खाने पीने में चला गया, शी हैज नो प्रूफ, राइट। सो अगेन माय फेलो पैनलिस्ट विल से कि तभी तो कहते हैं कि जॉइंट रजिस्ट्री कराओ एंड वुमन को 1% रजिस्ट्री टैक्स कम लगता है एंड सो ऑन। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं यहाँ पर कवल, बहुत ही गंभीर बात कही आपने कि किस तरह से महिला जो है वो अपने अधिकार के लिए करती है लेकिन कई बार जो है परिवार से ही समर्थन नहीं मिल पाता। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। लेकिन बात फिर से स्वागत है आपका, और सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर हम चर्चा करें, हमारे साथ कवलप्रीत जुड़ी हुई हैं और साथ ही हैं रूपा सोनी। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही गंभीर बात कर रहे थे आप कवलप्रीत जी कि किस तरह से समाज में जो है परिवारों का जो स्ट्रक्चर, आधुनिक भारत की ही बात करें, शहरों की ही बात करें, जहाँ पर महिला भी कामकाजी है और पुरुष भी कामकाजी है, लेकिन जब दायित्व की आती है तो महिलाओं पर ज़्यादा जो है बोझ देखा जाता है, वर्किंग वुमेन पर खासकर बोझ ज़्यादा है। वर्किंग वुमन पे वो बहुत ज्यादा है, हमें एक एरिया मिल जाता है जहां हम जाके काम करते हैं, और क्योंकि हमारे पास हमारा पैसा है तो हम हाउस हेल्प भी हायर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी काफी कंफर्टेबल कर सकते हैं। बट मैं वो वुमन की बात करती हूँ जिनको बार बार सुनाया जाता है कि तुम घर में कोई काम ही नहीं करती हो, घर में कोई काम ही नहीं करती हो, दो वो 24 आवर्स काम कर रही है। बट अगेन अवेयरनेस आ गई है, हस्बैंड्स बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, बड़ी फैमिलीज में बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। बट यस, जैसे आपने कहा था, मिसयूज भी हो रहा है, ये कानून मिसयूज भी हो रहा है, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट हियरिंग भी है कि आप डाउरी केस में या पूरी फैमिली को आप अंदर नहीं कर सकते, आई थिंक मेरे फेलो पैनलिस्ट कह सकेंगे, क्योंकि काफी डाउरी जो एक्ट था वो भी मिसयूज हुआ है इन द रीसेंट पास्ट कई सालों से, तो यस मिसयूज भी हो रहा है। एक्चुअली जिन लोगों को ये एक्चुअली जिनके साथ वुमन के साथ बुरा हो रहा होता है वो तो इस कानून इन कानूनों की हेल्प नहीं लेती है क्योंकि वो छोटे कस्बे में बैठी हैं या रूढ़िवाद जानकारी भी नहीं पहुंच पाती, फैमिली तोड़ना नहीं चाहती है। रूपा जी, बहुत समय बहुत कम है इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि अब ये जो ताजा फैसला आया है इससे क्या जो विवाह का जो है फैसला है जो महिलाओं में अब देखा जाता है कि उन्हें किसी भी स्थिति में विवाह तो करना ही पड़ता है, ऐसे में जो महिलाएं हैं अब ये भी समझ पाएंगी कि अगर वो विवाह नहीं भी करना चाहती है तो वो बच्चे की परवरिश पूरी तरह से कर सकती, अपनी पहचान ज्यादा कर, इस तरह का बदलाव शायद समाज में ज्यादा आएगा। एक्चुअली अगर आप मालूम हो नेहा जी तो समय बहुत कम है इसलिए मैं चाहूंगी रूपा संक्षेप में बात पूरी करिए जी। अच्छा, अनवेड मदर को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सोल गार्जियन बन सकते हैं, अब वो भी रिसेंट जजमेंट ही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अनवेड मदर को डिस्क्राइब करा है वेल एजुकेटेड, गेनफुली एम्प्लॉयड एंड फाइनेंशियली सिक्योर। शी completing all these three parameters then she can fulfill the duties of the guardian of a child. जी। और Supreme Court का legal system, legislature बहुत ज़्यादा aware है अभी society में क्या चल रहा है, live-in relationship का law भी in place है। अगर आपको मालूम हो कि medical termination of pregnancy में section 3 में उन्होंने husband word use नहीं करा, उसमें partner word करा उसने। जी। Because there are सोसाइटी, अगर फीमेल कोई है वो शादी नहीं करना चाहती है, लिव इन रिलेशन पे रहना चाहती है, अकेले रेस कर चाहती है बच्चे को, ऑल दोस प्रोविजंस आर इन प्लेस नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है रूपा जी, और क्योंकि जाते जाते मैं कवलप्रीत से भी समझना चाहूंगी कि अब बदलाव जो है वो काफी ज्यादा आएगा और ये आरोप बार बार आएंगे कि महिलाएं अब खुद जो है अब अकेले रहना चाहती है और बच्चे की परवरिश भी करना चाहिए। बिल्कुल एक लाइन में बात करिए क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त है। हाँ, उन्होंने अपनी मदर्स को ग्रैंड मदर्स को सफर करते देखा है तो वो उनको लगता है कि एक अपनी मैटरनल इंस्टिंक्ट पूरी करने के लिए शादी कराना और एक ऐसे पार्टनर के साथ रहना जो उनको
दुख दे, उससे अच्छा है कि अब बच्चा अडॉप्ट क्या सरोगेसी से बच्चा करो और अपनी ब्रीदिंग स्पेस अपने मुताबिक, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, खुल के जियो, ट्रैवल करो, हॉबीज करो, कमाओ, पेरेंट्स की लुक आफ्टर करो और एक अच्छे पार्टनर की वेट करो, तब तक अपनी जिंदगी खुल के जी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं दोनों ही पैनलिस्ट का जिन्होंने इतनी अच्छी बातें कही महिलाओं के अधिकार की। रूपा जी ने महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में स्पष्टता दी, तो कंवलप्रीत ने समाज में किस तरह की महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं और किस तरह का बदलाव वो देख रही है ये हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी दोबारा से। आज टेड टॉक में बस इतना ही। क्या महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक चेतना जागेगी? क्या दूसरी धर्म की महिलाएं भी अपनी पहचान, अपने सरनेम को लेकर अवेयर हो पाएंगी, जागरूकता उनमें देखी जाएगी? फिलहाल ये सब सवाल बाकी हैं, देखने होगा आने वाले वक्त में क्या बदलाव आते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।